हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा सेशन है क्लास 12th का फिजिक्स, और हम हिंदी मीडियम पर आप आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12th फिजिक्स का हिंदी मीडियम, और टॉपिक है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। और चुंबकत्व का आज हमारा लास्ट क्लास है, एक स्पेशल सेशन समझ लीजिए, जिसको मैंने स्पेशली एक वीडियो में आपको बताऊँगा करके पहले बताया था। और आज के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊँगा पार्थिव या भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए, हमारी पृथ्वी एक चुंबक है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था हमारी पृथ्वी एक चुंबक है, और वहाँ पर मैं आप बताया था कि इसको हमको एक सेपरेट पढ़ना है। तो आज का हमारा पूरा सेशन पृथ्वी के पूरे चुंबकीय गुणों और चुंबकीय पदार्थों के विभाजन, उनके गुणों को पढ़ने में है। पूरा चैप्टर थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, एक आध छोटा मोटा डेरिवेशन छोड़ के कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लोग की एक गलतफहमी होती है कि डेरिवेशन डिफ़िकल्ट होते हैं, खासकर जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको मैथमेटिकल डेरिवेशन देख के लगता है फिजिक्स डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको जनरली हम या तो रीडिंग नहीं करते, स्केप कर देते हैं, या अपन ये तो थ्योरी है पढ़ लेना ऐसा करके अपन देख लेते हैं। ऐसा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल कंसंट्रेशन से आज का लेक्चर आप मेरा सुनिए, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का मैं आपके साथ बहुत गहराई के साथ डिस्कस कर सकूँ। और ऐसे भी एग्ज़ाम से ऊपर उठ के हम बात करें तो हमको अपनी पृथ्वी का नॉलेज तो होना चाहिए, जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, तो उसके बारे में तो हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो आज का हमारा डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व भू माने हमारी पृथ्वी, इसको अर्थ चुंबकत्व भी कहते हैं, पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं अपन अर्थ मैग्नेटिज्म। अब सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करना शुरू करें कि भाई हमारी पृथ्वी एक चुंबक है, तो हम उसके चुंबकीय प्रॉपर्टी का अध्ययन करें। तो सपोज़ ये हमारी पृथ्वी है सपोज़, और हमको मालूम है कि ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है ऊपर, और जस्ट अपोजिट में ये साउथ पोल है, ये हम सबको पता है। और ये एक्चुअल में इसका भौगोलिक नॉर्थ और साउथ है, भौगोलिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है। तो इसको मैं NG कह दिया, जी फॉर ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, ये भौगोलिक है, और SG ज्योग्राफिकल साउथ माने भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, और ये है इसका अक्ष, चुंबक का अक्ष। क्लियर, ये सब हमको पता है। लेकिन यहाँ पर एक अक्ष और होता है अर्थ का, ये एक पोल, दो पोल मैंने बनाया, ये इसका होता है नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकी उत्तरी ध्रुव नॉर्थ की तरफ, और ये है साउथ मैग्नेटिक, M फॉर मैग्नेटिक, G लिखा है मतलब ज्योग्राफिकल, और M लिखा है मतलब मैग्नेटिक। तो दो ध्रुव और होते हैं इस तरह से, ये दो ध्रुव हुए भौगोलिक और ये दो ध्रुव हुए चुंबकीय, ये चुंबकीय ध्रुव हुए। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये दोनों के बीच जो एंगल होता है वो नियर अबाउट 11.3 डिग्री होता है, दोनों के बीच का कोण, आप ध्यान रखना। कई बुक में ये डेटा आपको थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, लेकिन आप इसको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो 11.3 अकॉर्डिंग टू NCERT का जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% फैक्ट माना जाता है। लेकिन ये एक वेरिएबल वैल्यू है, बहुत से राइटर या कई आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो कभी डेसिमल में कोई 11.5 मिला भी आपको मिल जाएगा, 11.0 समथिंग लिखा हुआ। उसका कारण क्या है कि अर्थ का जो सिचुएशन है जब चेंज होता है हमारे गैलेक्सी में, तो उसके जो क्रोड हैं
अंदर का जो क्रोट पोजीशन है वो थोड़ा डिस्प्लेस होता है, थोड़ा खिसकता है, जिसके कारण इसका वैल्यू वेरी करता है, वेरिएशन होता है, इसमें चेंजेस आता है, इसलिए वो चेंज हो सकता है। लेकिन आप 11.3 के डेटा को परफेक्ट मान के चलेंगे, और आसपास कोई रहे तो आसपास आपको उसको मानना है। ये होता है, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी आपको पढ़ाया कि जब हम किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, और यहीं से हमको दिशा की जानकारी होती है। उसको हम इसलिए दिक्मापी भी कहते हैं या दिग्दर्शिका भी कहते हैं, किस तरीके से दिशा बताता है वो। तो हम अभी तक कैसा अनुमान लगाते हैं कि सपोज मैं किसी चुंबक को या चुंबकीय सुई को लटकाया, उस दिन मैं फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पर मैग्नेट को लटका के आपको बताया था, आपने उस वीडियो को देखा हो तो देखा होगा, तो उसका जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, वह नॉर्थ पोल की तरह रेस्ट करता है। इसी से हम जानते हैं कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। मतलब यहाँ पर यदि मैं किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाऊँ तो ध्यान से देखना, चुंबक जो हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं वो ऐसे ठहरता है। ये स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक है। थोड़ा इस लेक्चर को ध्यान से समझना, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर नॉलेज है, आप मान के चलिए, क्योंकि मैं डीपली डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो बहुत ज़रूरी है नॉलेज के लिए भी और फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर आप देखो, चुंबक को जब हम लटकाते हैं स्वतंत्रतापूर्वक, तो ये जो ब्लैक इंक से मैंने यहाँ पर लगाया बनाया है वो हमारा बार मैग्नेट है, और ये जो नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ है और इधर इसका साउथ है, और इसी के कारण हम इसको उत्तर दिशा, इसको दक्षिण दिशा कहते हैं। मतलब ये तो काल्पनिक रेखा है, जो भौगोलिक रेखाएं हैं काल्पनिक हैं, उनको कल्पना किया गया है पृथ्वी के सिचुएशन, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पृथ्वी में कहीं तो खींचा गया नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं, आप भूगोल में पढ़े होंगे। और इनको क्यों बनाया गया? पूरे अर्थ का पोजीशन बताने के लिए कि भाई हमारे ग्लोब में भारत कहाँ पर है, तो इतने अक्षांश से इतने अक्षांश, इतने देशांतर से इतने देशांतर, तो आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा कंट्री पृथ्वी में यहाँ अपना पोजीशन रखता है, इसलिए इन रेखाओं की जरूरत पड़ी। लेकिन हम जब जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट किया, तो हमको जानना था कि भाई मान लो कोई आदमी, कोई सपोज कैप्टन है, शिप का कैप्टन है, या रेगिस्तान में कोई आदमी भटका हुआ है और रात का समय है, सूर्योदय भी नहीं हुआ है, अब उसको जानना है कि मेरे को दिशा किधर है। अभी तो सीप का जो कॉन्सेप्ट है तो वास्को डी गामा या फिर जो भी सीप में डायरेक्शन खोजे, कहीं को कोलंबस जैसे खोजे, तो किसके हेल्प से है? मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से, क्योंकि समुद्र में रास्ता आपको मैग्नेटिक नीडल से पता चलेगा। तो मैग्नेटिक नीडल का उत्तर जिधर ठहरता था वो समझ जाते थे कि मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन वो ये उत्तर होता था। सपोज उसको इस पोल में जाना है तो 11.3 अंश 11.3 डिग्री इधर टर्न होके जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा। मतलब एक्चुअल में जब हम आपको किसी स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को लटका के जब आपको हम बताते हैं, तो हम तुरंत आपको बोल देते हैं कि देखो भाई ये उत्तर, उस दिन भी मैंने बोला कि उत्तर की तरफ, उत्तर ठहरा है तो उत्तर दिशा है, लेकिन एक्चुअल में उत्तर दिशा उधर नहीं, उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप 11.3 अंश जोड़ेंगे, मतलब चुंबक यहाँ ठहरा है, यहाँ मैं जोड़ूँ, ये उत्तर दिशा है उसका। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, यदि पढ़ाते पढ़ाते आपके भी दिमाग में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाय द वे नहीं आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन सोचने का है आपके दिमाग में, जो ज़रूर आपको सोचना चाहिए, क्या कि सर हम पढ़ते आ रहे हैं कि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, नॉर्थ की तरफ साउथ का, साउथ की तरफ नॉर्थ का, तो ये तो मैग्नेट का नॉर्थ है और ये भी पृथ्वी का नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ हो गया और ये भी नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ को रिपल करना चाहिए, प्रतिकर्षित करना चाहिए। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है जहाँ पर प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैं देखा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं रहता, बुक रीडिंग करने से भी, क्योंकि सारे राइटर ने उसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान समझना, एक्चुअल में यह एक परिपाटी है, परिपाटी मतलब कन्वेंशन। तो परिपाटी, हम फिजिक्स में परिपाटी किन चीज़ों को कहते हैं? जिन चीज़ों को हम अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए मान लेते हैं विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के हम मान लेते हैं उनको परिपाटी। तो वास्तव में एक परिपाटी बनाया गया कि भाई चुंबक का नॉर्थ जिधर ठहरेगा उधरी हम पृथ्वी के नॉर्थ मानेंगे, ताकि हमको दिशा का ज्ञान हो सके।
और उसी के बगल में मान लिया गया मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर बल रेखाओं का जब परिपाटी माना गया तो चुंबकीय बल रेखाओं को यहाँ से अंदर माना गया, ऐसा नॉर्थ से साउथ और साउथ से इधर बाहर निकलता हुआ माना गया, जबकि मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस में चुंबकीय बल रेखाओं, मैंने आपको बताया चुंबकीय बल रेखाओं में क्या बताया कि मान लो हमारे पास एक चुंबक है नॉर्थ से साउथ, तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर में उत्तर से दक्षिण जाती हैं और चुंबक के अंदर में दक्षिण से उत्तर, चुंबक के अंदर में दक्षिण से उत्तर। लेकिन यहाँ पर देखो, चुंबक के अंदर में हम उत्तर से दक्षिण ले रहे हैं। कितना कन्फ्यूजन है, आप सोचिए कितना कंट्रोवर्सी इस इन्फॉर्मेशन में, कि ऐसा कोई आपको पढ़ा के निकल जाए तब तो आप बिल्कुल गोल गोल घूम जाओगे कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा तो कॉन्सेप्ट कहता है इन साइड ऑफ द मैग्नेट, चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, ये हम उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ें, और मैं उल्टा पढ़ाने लगा। ये पृथ्वी एक चुंबक है और बोल रहा हूँ ये अंदर में नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में प्रवेश करता है साउथ में निकलता है, तो बहुत अजीब बात हो गई। तो इसका जो फैक्ट है, इसकी वास्तविक जानकारी है वो ये है, ध्यान से सुनना, वास्तव में ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ माना गया है, यदि हम पृथ्वी के अंदर किसी दंड चुंबक की कल्पना करें कि सपोज पृथ्वी के अंदर एक दंड चुंबक दबा हुआ है जिसके कारण पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, तो वास्तव में ये मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ ध्यान से समझना, तो ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नॉर्थ, उधर वास्तव में पृथ्वी का साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ। एक फैक्ट बहुत ध्यान से सुनना आप इसको, पहले बताया वो परिपाटी है लेकिन वास्तव में फैक्ट ये है कि जो, एक बार ध्यान सुनना, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, कि पृथ्वी के चुंबक की नॉर्थ की ओर उसके अंदर के मैग्नेट का साउथ पोल होता है और साउथ के तरफ उसका नॉर्थ पोल होता है। अब कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साउथ है तो चुंबकीय बल रेखाएँ साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं बाहर और अंदर में जाती हैं, बाहर अंदर में जाती हैं बाहर में इस तरह से जाती हैं। तो मैं फाइनल फैक्ट आपको क्या बताया, एक बार और ध्यान से सुनिए, कि पृथ्वी के चुंबकीय नॉर्थ के तरफ वास्तव में पृथ्वी के दंड चुंबक का साउथ पोल होता है और साउथ के तरफ क्या होता है नॉर्थ पोल होता है। तो ये क्या है, किसी बुक में आप उसको ऐसी सुपरफिशियल पढ़ लें, हल्का हल्का ऊपर से पढ़ लें तो कन्फ्यूज़न रहता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इसको ध्यान से समझना। यदि ये बात आपको कभी और कन्फ्यूज़न का लगे तो आप इस वीडियो में जितनी बात मैं बताया एक बार रिपीट उसको ध्यान से सुनना, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो फ्रेंकली मुझसे डिस्कस करना, आप कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करना, मैं आपको और बताऊँगा, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये फिगर आप ध्यान से बना के रखिए, वैसे फिजिक्स का तो PDF आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसमें आपको सब मिलेगा। ये हमारा भूचुंबकत्व है और उसका इन्फॉर्मेशन है, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भूचुंबकत्व, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, ठीक है, मतलब भूचुंबकीय तत्व, भूचुंबकीय तत्व मतलब इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो भूचुंबकीय तत्व मैं आपको बता दूं, भूचुंबकीय तत्व अर्थ मैग्नेटिज्म में एलिमेंट्स, मतलब कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक है तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जिसमें पहला है दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, और दूसरा है नमन कोण, नमन कोण या इसको नति कोण भी कहते हैं, तीसरा है क्षैतिज तीव्रता या इसका क्षैतिज घटक, और चौथा टर्म है ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्या क्या है आप ध्यान में रखना, दिक्पात का कोण को अपन इंग्लिश में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये कहलाता है एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, ये हॉरिजेंटल, एच से लिख दिया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ये आप ध्यान रखना, दिक्पात के कोण का संकेत है कैपिटल डी या कई राइटर लोग अल्फा,
वैसे डी फॉर डेक्लिनेशन होता है, तो डी आ अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और नमन जो कोण होता है, नमन कोण उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से, ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मैं समझा दूँ ये सब है क्या, इनके ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब भूचुंबकीय तत्व, ये इसके परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिक्पात का कोण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो भौगोलिक अक्ष, ये कहलाएगा भौगोलिक अक्ष और ये कहलाएगा रेड वाला चुंबकीय अक्ष। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, यामोत्तर मैंने क्या बताया था आपको कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ बार मैग्नेट पढ़ाया पहले पार्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि चुंबक के अक्ष के लंबवत जो सतह जाता है उस सतह को हम क्या कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। तो जैसे मैं अपनी हथेली में बताऊं आपको, ये मेरी हथेली की ऊर्ध्वाधर सतह मान लो, और ये मान लो यामोत्तर है भौगोलिक, और ये मेरे हाथ की हथेली मान लो ये है चुंबकीय यामोत्तर। तो ये दोनों को मैं ऐसे रखा, तो दोनों को रखने से मेरे दोनों हथेली के बीच में जो कोण बन रहा है इस तरह से, यही क्या कहलाएगा, यामोत्तर कहलाएगा। मतलब वास्तव में इससे जो सतह जाएगा और इससे जो सतह जाएगा, मतलब यहाँ 11.3 यहाँ पर जो बताया गया है, ये दोनों के बीच में इस तरह से बना हुआ कोण है। तो दिक्पात का कोण क्या कहलाता है, सीधा एक लाइन में इसका डेफिनेशन है, वैसे मेरे नोट्स में सब आप मिलेगा। देखिए जब आप मेरे फिजिक्स का लेक्चर सुनते हैं तो स्ट्रेसलेस आप सिर्फ मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनने का कोशिश करिए, आप इसके नोट्स बनाने कैसे करूँगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड PDF नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको सोच रहे बस थोड़ा डिले होता है क्योंकि वो प्रिपरेशन में है आपके लिए स्पेशल, उसको बनाया जा रहा है तो एक दो दिन का डिले होता है। आप लोग इमीडिएट कमेंट्स करते हो सर इसका डाल दीजिए, एक दो दिन डिले होगा क्योंकि चैप्टर के पीछे पीछे बना रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। तो पूरे आपको नोट्स में मिलेंगे, इसलिए कुछ टेंशन नहीं, आप सिर्फ वीडियो में फुल कंसंट्रेशन से समझने का कोशिश करो, इतना कोशिश करो कि वीडियो एंड होने में कम से कम 80-90% आपको लर्न हो जाए। इसी को बोलते हैं फिजिक्स का समझना, बाद में उसको रीडिंग करना तो सेकेंडरी है, प्राइमरी मैटर तो है कि टीचर के लेक्चर के साथ आपको प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। टीचर के लेक्चर के साथ यदि आप प्रिपेयर होते जा रहे हैं तभी मैं समझता हूँ कि फिजिक्स का क्लास प्रॉपर चल रहा है। मैथ्स की बात अलग है, क्योंकि मैथ्स के क्लास में टीचर के बाद आपका काम शुरू होता है, उसने कॉन्सेप्ट लिया, रूल बताया, एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कराया, अब आपका काम शुरू होता है प्रैक्टिस का। फिजिक्स ऐसा नहीं, फिजिक्स में यदि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं क्लास, तो एक फिजिक्स का अच्छा टीचर 80-90% आपको क्लास में तैयारी करा देगा, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए कंसंट्रेशन से सुनने का, तो थोड़ा ध्यान से सुनने, ठीक है। तो दिक्पात का कोण मैंने क्या बताया, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच का बना कोण। अब नमन कोण ये क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक को समझा दूं। एक्चुअल में होता क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति का तीव्रता का दो घटक होता है, ये इस तरह से, जिसमें ये जो क्षैतिज होता है इसको हम इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहते हैं, और इसको कहते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वी फॉर वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में उसको वर्टिकल बोलते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वाधर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो परिणामी है, ये परिणामी है आई, ये परिणामी तीव्रता है, क्योंकि कोई भी दो बल का तीव्रता का हम परिणामी भी निकाल सकते हैं, ये इसका परिणामी है। और ये जो परिणामी तीव्रता है वह क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है, ये क्षैतिज घटक के साथ ये बनाया गया कोण है, इसको हम कोण बोलते हैं, नमन कोण, और प्रदर्शित करते हैं किससे, थीटा से। तो क्या परिभाषा हो गया इसका, बहुत इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गया, पृथ्वी के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक तो आप समझ गए, पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के घटक को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं अपन। तो ये है भूचुंबकीय तत्व, इसमें 4 अपने को पॉइंट्स को समझना होता है, दिक्पात का कोण, नमन कोण, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ये। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति का इंट्रोडक्शन है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति का कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि भाई ऐसा क्या चीज़ है कि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होने का कारण, क्या क्या कारण हो सकता है। तो आज तक 50 मान्यता आ गए, सब रिजेक्ट, दैट मीन्स कुछ चीज़ आज भी हमारे पास, साइंस के इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के
आंसर नहीं है, जैसे कि पृथ्वी में गुरुत्वीय शक्ति कहाँ से आया। न्यूटन ने बता तो दिया कि पृथ्वी में किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि क्यों है। बिग बैंग का जो प्रिंसिपल है, या फिर आपको भी न्यूज में पढ़ते होंगे, लार्ज कोलाइडर हेड्रान करके एक स्विट्जरलैंड में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें बिग बैंग के थ्योरी को प्रूफ करने के लिए दुनिया भर के करीब 400 से ज़्यादा साइंटिस्ट वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और इंडिया के लिए एक प्राउड वाला बात है कि मैक्सिमम साइंटिस्ट वहाँ पर, नियर अबाउट 75-80 के आसपास साइंटिस्ट इंडियन हैं जो वहाँ पर बिग बैंग के प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए वर्क कर रहे हैं। लार्ज कोलाइडर हेड्रान कभी आप इंटरनेट में सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आज भी पृथ्वी के बहुत से गुणों के बारे में हमको, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत अभी ठीक से नहीं पता, पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से आया पता नहीं, उसी तरह पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति कहाँ से आया है हमको पता नहीं। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत है, लेकिन वो सिर्फ मत है, वो कोई अप्रूव नहीं हुआ कि वो सही है करके। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के अंदर में जो लौह पदार्थ हैं, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब इसके सेंटर में, इसके क्रोड में इकट्ठा हो गए हैं। और इन लौह पदार्थों में जो हम चुंबक अणु सिद्धांत पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी में चुंबक की शक्ति आ गया, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मत है। लेकिन इस प्रिंसिपल को हम इस तरह से डिनाई कर सकते हैं, इस तरह से हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम ये भी पढ़े हैं कि एक टेम्परेचर के बाद, जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, अभी आगे थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं आपको, या अभी बता देता हूँ कि पियरे क्यूरी ने बताया कि एक फिक्स टेम्परेचर के बाद किसी भी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाती है। हमने वहाँ पर पढ़ा था चुंबकीय गुण में कि चुंबक को पीटने पर, पटकने पर, गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर तो जो लौह पदार्थ हैं वो इतने गर्म हैं कि पिघले अवस्था में हैं, सेंटर में इतना टेम्परेचर है कि वो तो लिक्विड फॉर्म में है। तो उतने टेम्परेचर में तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं, ऐसे रिजेक्ट हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा चुंबक है, दंड चुंबक है। ये तो बिल्कुल और हंसने लायक बात है कि पृथ्वी के अंदर कोई बहुत बड़ा दंड चुंबक यदि गड़ा होगा तो क्या आज तक उसी स्थिति उतने टेम्परेचर में वो कैसे उस कंडीशन में रह पाएगा। कुल मिला के पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का कारण अभी ढंग से ज्ञात नहीं है। इन फ्यूचर पता चलेगा कि वास्तव में पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति कहाँ से आया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे ध्यान में आ रहा है तो आपको बता दूँ कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, घटते जा रहा है। अभी USA के कुछ वैज्ञानिकों ने यह बात प्रैक्टिकली प्रूफ किया है कि जिस तरह से किसी दंड चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक प्रकृति में छोड़ देते हैं, मैंने पढ़ाया था चुंबक रक्षक बताते समय, तो आपको पता है कि उसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। एग्जैक्टली वैसी हमारे गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है जिसमें मैग्नेटिक पावर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक अनुमान है कि हजारों लाखों साल बाद, क्योंकि जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो कल के लिए ही नहीं होता, साइंटिस्ट लोग का कैलकुलेशन बहुत लंबे समय को ध्यान में रखता है, तो उन लोगों ने एक रिजल्ट बताया कि मे भी हो सकता है कि बाद में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाए और वह नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बन जाए, कि सिर्फ उस समय हमारा आने वाला जनरेशन ये पढ़े कि पृथ्वी में कभी चुंबकीय शक्ति होता था, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से चुंबकीय शक्ति, वो एक लॉन्ग डिस्कशन है, कभी मैं किसी स्पेशल वीडियो में आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं अभी एक जानकारी कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति क्या हो रही, धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, जिसके कारण बहुत तरह का चेंजेस आ सकता है हमारे नेविगेशन सिस्टम में, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम में चेंजेस आ सकता है। ये एक अनुमान है, लेकिन ये बात प्रूफ हो गया है कि बहुत साल पहले इसकी तीव्रता अधिक था और अब तीव्रता थोड़ा कम हो गया है, दैट मीन्स वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये है इसकी जानकारी। अब यहाँ पर एक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो है IHV जो मैंने यहाँ पर लिखा है, उसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन, जो बहुत छोटा सा रिलेशन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, क्लियर। तो यहाँ हम पढ़ते हैं IHV तथा थीटा में रिलेशन, ये चारों वेरिएबल क्या है मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें हम एक संबंध पढ़ते हैं IHV तथा थीटा में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एग्जाम में आता है, डेफिनेशन के साथ भी आ सकता है मैथमेटिकल। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र बना ले, जो यहाँ पर भी बनाए थे अपन, इस तरह से ये
ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत इजी मेथड्स मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत से बुक में आपको लेंदी मिलेगा। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है मेरे को कि सर आप किसी डेरिवेशन को बुक के रेस्पेक्ट में आप थोड़ा इजी और शॉर्ट में बता रहे हैं तो क्या आप फुल मार्क्स मिलेंगे। 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मैं आपको कई बार समझा चुका कि हर राइटर का, हर टीचर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन का स्टेप अलग अलग हो सकता है। मैं एकदम इजी हो ऐसे मेथड को प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। क्लियर? तो ये यहाँ पर ये थीटा है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये एक लंब डाल दिया, तो ये हमको एक ट्राइंगल मिल गया। अब यहाँ पर देखो, ये आई है, ये एच है और ये पैरेलल है, तो इसको हम भी लिख सकते हैं कि इसके समांतर है। तो ये मिल गया हमको एक समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में मैं यदि पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा, देखिए, मान लो इसको मैं ओ कह दिया, इस पॉइंट को ए कह दिया और इसको मान लो बी कह दिया, तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस के प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग वी, सॉरी आई, कर्ण आई यहाँ पर, आई का वर्ग बराबर वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो ये आई वी एच में रिलेशन हो गया, कितना आसान है, कुछ नहीं इसमें। अब कई बुक में मैंने खुद पढ़ा है, ये आपके पास कोई बुक होगा तो आप देखना, कई राइटर लोग क्या किए हैं, आई का ये वाला घटक तो आई कॉस थीटा, फिर छह वर्धाधर घटक आई साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर ऐड करो, बहुत लेंदी कर दिया। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपना एक तरीका है, इसी को भी मैं 10 स्टेप में बता दूंगा आपको। साइन थीटा कॉस थीटा निकालूंगा, घटक निकालूंगा, दोनों पक्षों को वर्ग करूंगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत लेंदी। और यहीं पर मैं घटक निकालने के बजाय पाइथागोरस थ्योरम निकाला तो एक लाइन में बन गया, तो वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, वो क्या है, जब आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के बुक पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कितने तरीके हो सकते हैं डेरिवेशन के। अब यहाँ पर हमको थीटा में रिलेशन बनाना है, तो यहीं पर मैं सीधा टेन थीटा निकाल रहा हूँ, तो टेन थीटा इक्वल टू अपने को पता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो ये थीटा है तो थीटा का सामने वाला लंब होता है, थीटा का सामने वाला लंब तो वी है, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन एच, देयर फोर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वी अपॉन एच, ये भी एक लाइन में आ गया। तो ये तीनों में रिलेशन है, मतलब आई एच वी तथा थीटा में रिलेशन, एक रिलेशन है आई एच और वी में और एक रिलेशन है एच वी और थीटा में रिलेशन है। क्लियर? इस प्रकार से ये मैथमेटिकल टर्म आप ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में, और आपका एग्जाम में ये काम आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूचुंबकत्व और उससे रिलेटेड ये फार्मूला। अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, उसको बांटा गया। तो ये चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है ये 100% थ्योरेटिकल है, और आपको मैं इसको एक दो पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसमें करीब 10-12 पॉइंट हैं, पूरा थ्योरेटिकल है और उतना कुछ एक्सप्लेनेशन का उसमें है नहीं। तो उसको पढ़ने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक है उसमें चार्ट दिया होगा वहाँ से, या अवेलेबल नहीं है आपके पास बुक में वो तो मेरे PDF में आपको मिलेगा बराबर क्लासिफाई के साथ में, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पदार्थों के चुंबकीय गुण, ये पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है, जितने पदार्थ हैं, पदार्थ का चुंबकीय गुण और उनका कह सकते हैं हम वर्गीकरण, मतलब उसको क्लासिफिकेशन, कितने पार्ट में हम उसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म में आपको मेरे को नोट्स भी मिलेगा, ऐसे ही आप पढ़ लेंगे, मैं एक दो पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ बस, बाकी तो बहुत लेंदी पोर्शन है, एग्जाम में भी आएगा तो चार से ज़्यादा पॉइंट आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रतिचुंबक की, प्रतिचुंबक इसके बाद अनुचुंबक, और लौह चुंबकत्व। तो
तो सबसे पहला डिफरेंस तो है इसमें, डिफरेंस आप देखो ये चार्ट आप तैयार करके कंपेटिवली आप पढ़ लेना, सब तैयार हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से कैसे आएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है और कुछ भी डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो तीनों में अंतर लिखो करके आएगा, या बोल देगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है या प्रतिचुंबकत्व क्या है इसके गुण लिखिए, इस प्रकार से आपको पूछेगा। प्रतिचुंबकत्व या इसको आप कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि पदार्थ का वर्गीकरण तो ऐसा, प्रतिचुंबकत्व तो उसका गुण हुआ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब वो पदार्थ और चुंबकत्व तो उसका गुण, वैसे हेडिंग डाल दीजिए चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ का क्लासिफिकेशन है ये पदार्थों के चुंबकीय गुण और चुंबकीय पदार्थ। तो पहला प्रॉपर्टी इसका डेफिनेशन ही है, और पहला प्रॉपर्टी क्या है देखिए इसका, पहला ये कि प्रति से आप याद रखना ये क्या करता है, प्रबल चुंबक की ओर, प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होता है, और भी प्रबल शक्तिशाली चुंबक से क्या होता है प्रतिकर्षित होता है, शक्तिशाली चुंबक को इसके पास में लाएंगे तो इस प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं उसे प्रतिकर्षित होने लगते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है ये प्रबल चुंबक से, ये प्रबल चुंबक से क्या होते हैं आकर्षित, ठीक उल्टा इसका, ये से आकर्षित होते हैं, ये इसका परिभाषा से ही पहला पॉइंट, कभी भी डिफरेंस में पहला पॉइंट परिभाषा से लिखना चाहिए। और लौह चुंबकीय क्या होता है, ये दुर्बल चुंबक की ओर, भाई ये तो लौह चुंबकीय ही है, इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है, दुर्बल, दुर्बल चुंबक, वीक मैग्नेट ना, की ओर आकर्षित होते हैं, इसके लिए प्रबल चुंबक का जरूरत नहीं, क्लियर। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या, इनकी परिभाषा ही है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे चुंबकीय पदार्थ हैं जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, क्लियर। अब देखिए आप सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, यदि हम इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है, और यह भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। एक्चुअल में इनमें दोनों में 99% सिमिलरिटी है, ये डिफरेंट चलता है। तो ऐसे इसके पॉइंट्स इसको आप तैयार कर लेना, सारे पॉइंट्स आपको एक एक पॉइंट में लर्न हो जाएंगे, उस पर डिस्कस करने का कुछ नहीं है, मेरे PDF भी मिलेगा या तो आपके वो बुक में मिलेगा। तो ये जो पोर्शन में पढ़ाया, एक्चुअल में इस चैप्टर का दो ही पार्ट है, पहला पार्ट है पार्थी चुंबकत्व भू चुंबकत्व की पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के बारे में स्टूडेंट का एक जानकारी होना चाहिए, दूसरा ये है पदार्थ के चुंबकीय गुण का डिफरेंस, सिर्फ दो तो कोई बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा सा पार्ट है, और कुछ कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपके बुक में दिए होंगे, वो डेफिनेशन आप एक बार रीडिंग कर लेना, बाकी दो ही क्वेश्चन तैयार होते हैं इस चैप्टर से, एक भू चुंबकत्व और उसके IHV और थीटा में रिलेशन, और दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है आपका ये पदार्थों के चुंबकीय गुण इसका क्लासिफिकेशन, इसमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई फार्मूला नहीं है, इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिए, और यहाँ पर हमारा मैग्नेटिज्म का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट पार्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन फिजिक्स के चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं, अभी से मैं उसका नाम आपको बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पर मिलेगा, और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमने बहुत विद्युत पढ़ा, हमने बहुत चुंबक पढ़ा, अब उसका कंबाइंड स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत मज़ेदार है। तो आप फिजिक्स पढ़िए भी और फिजिक्स इंजॉय भी करिए। ओके, थैंक यू।